डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमको ये प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो है किसके इक्वल, x माइनस वाई इन मल्टीप्लीकेशन विद y माइनस जेड इन मल्टीप्लीकेशन विद z माइनस एक्स एंड इन मल्टीप्लीकेशन विद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये प्रूव करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को ही यूज करना है, हमें इस डिटरमिनेंट को जब तक एक्सपेंड नहीं करना है तब तक इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगती जा रही हो, जब इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हमें इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज लगाते हैं। सबसे पहले हम एक ऑपरेशन इसके अंदर लेंगे, वो ऑपरेशन को मैं इस तरह से लिखता हूं, आर वन इज गोइंग टू बी आर वन माइनस आर थ्री। अब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स में से थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये है फर्स्ट रो, इनके सारे एलिमेंट्स में से इस थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हम एक और लेंगे ऑपरेशन, वो है आर टू इज गोइंग टू बी आर टू माइनस आर थ्री। बिल्कुल ठीक, सेकेंड रो के साथ भी वही करना है जो फर्स्ट रो के साथ किया है, सेकेंड रो के भी सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या होगा इन ऑपरेशंस के बाद। इस डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा कंसीडर करता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू देखिए एक्स में से जेड सब्ट्रैक्ट होगा, जेड एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है जेड, फिर एक्स स्क्वायर में से जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा और उधर वाई जेड में से एक्स वाई सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पे वाई में से जेड सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि सेकंड रो के साथ भी वही होगा जो फर्स्ट रो के साथ हुआ है, फिर यहां लिखा जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहां पर लिखा जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो ये दो ऑपरेशन यहां लग गए हैं, थर्ड रो एज इट इज रहेगी, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी डिटरमिनेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट एलिमेंट तो देखिए एक्स माइनस जेड है फर्स्ट रो का, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस जेड इन मल्टीप्लीकेशन विद एक्स प्लस जेड, यहां पर आइडेंटिटी लग गई। यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे वाई जेड और माइनस एक्स वाई, इसमें से वाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा जेड माइनस एक्स। ठीक, अब सेकंड रो को देखते हैं, सेकंड रो में यहां पे आएगा वाई माइनस जेड, सिमिलरली ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये बन जाएगा वाई माइनस जेड इन मल्टीप्लीकेशन विद वाई प्लस जेड। ठीक है ना, और यहां पे देखिए यहां पे x कॉमन आ जाएगा इन दो इस टर्म में से, तो x को मैं बाहर लिखता हूं, अंदर रह जाएगा z माइनस वाई। अब ये थर्ड रो में बन जाएगा z z स्क्वायर और एक्स वाई, तो ये मैंने कुछ किया है। अब यहां देखिए फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट में x माइनस जेड है, सेकेंड एलिमेंट में भी x माइनस जेड एज ए फैक्टर है और यहां पर है z माइनस एक्स एज ए फैक्टर। अब x माइनस जेड और z माइनस एक्स इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब इस z माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस जेड। क्या लिख सकता हूं, z माइनस एक्स को माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस जेड, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x माइनस जेड इस टर्म का भी फैक्टर ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसी तरह से यहां पे जो z माइनस वाई है उसको भी लिखा जा सकता है y माइनस जेड इन मल्टीप्लीकेशन विद माइनस वन, क्योंकि z माइनस वाई और y माइनस जेड एक दूसरे के नेगेटिव है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट रो में क्या था, इधर भी x माइनस जेड है, इधर भी x माइनस जेड है, इधर भी z माइनस x माइनस जेड है और वो कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं फर्स्ट रो से x माइनस जेड कॉमन ले लूंगा। सेकेंड रो में यही कहानी y माइनस जेड के साथ रिपीट होती है, y माइनस जेड यहां पर भी है, y माइनस जेड यहां पर भी है और y माइनस जेड यहां पर भी है विद माइनस वन। ठीक है, यहां से y माइनस जेड कॉमन ले लूंगा, तो फर्स्ट रो से x माइनस जेड और सेकंड रो से y माइनस जेड में कॉमन लेता हूं, बाहर लिखता हूं और इनसाइड द डिटरमिनेंट क्या रहेगा अभी हम देखते हैं। ये डेल्टा बन जाएगा, देखिए x माइनस जेड तो मैंने फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया है और y माइनस जेड मैंने सेकंड रो से कॉमन ले लिया है,
तो यहाँ पे तो 1 रहेगा क्योंकि पूरा x माइनस जेड ही बाहर चला गया, 1 क्या छोड़कर x माइनस जेड जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पे रहेगा सेकंड एलिमेंट में x प्लस जेड। यहाँ पर क्या रहेगा देखिए, यहाँ पर z माइनस x है और आपने क्या कॉमन ले लिया x माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा y के साथ, y इन मल्टीप्लीकेशन विद माइनस 1 दैट इज माइनस वाई। सिमिलरली यहां से जब y माइनस जेड चला जाएगा तो इधर 1 रहेगा, इधर से y माइनस जेड चला जाएगा तो इधर सिर्फ y प्लस जेड रहेगा, और जब इधर से y माइनस जेड चला जाएगा तो यहां पे क्या रहेगा माइनस 1, माइनस 1 और x रह जाएंगे, मतलब माइनस ऑफ x रह जाएगा। ठीक है, थर्ड रो इसमें एज इट इज है, थर्ड रो है z, z स्क्वायर और एक्स वाई, ये चीज हो गई। अब यहां पर मैं एक और ऑपरेशन लगाना चाहूंगा, वो ऑपरेशन कुछ इस तरह से होगा, रो वन इज गोइंग टू बी रो वन माइनस रो टू। इसका मतलब फर्स्ट रो के, ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स में से सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। तो डेल्टा क्या बन जाएगा, देखिए ये x माइनस जेड और y माइनस जेड तो मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे x माइनस जेड y माइनस जेड, और यहाँ पे देखिए जो डिटरमिनेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में से सेकेंड रो के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, तो क्या रह गया 0। अब यहाँ x प्लस z में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है y प्लस z, तो z और z तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और इधर रह जाएगा x माइनस वाई, तो मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई, ये है x और ये है माइनस वाई। अब देखिए माइनस वाई में से, यह है माइनस वाई, इसमें से माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस वाई प्लस एक्स, माइनस वाई प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई। सेकेंड रो में देखिए 1 वाई प्लस जेड और माइनस एक्स एज इट इज है, इधर है जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो को जरा ध्यान से देखिए, x माइनस वाई इधर सेकेंड एलिमेंट में भी है, x माइनस वाई इधर भी है और इधर है 0, तो 0 को तो लिखा जा सकता है 0 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई, इस तरह से, तो फिर x माइनस वाई इस 0 का फैक्टर भी हुआ, तो मैं फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ, जैसे मैंने ठीक इनको लिया था। ठीक है, तो कर लेते हैं, चलिए डेल्टा बन जाएगा, सबसे पहले तो x माइनस जेड और y माइनस जेड को मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ से मैं x माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे x माइनस वाई लिखता हूँ, इधर लिखा जाएगा x माइनस वाई, देखिए x माइनस जेड और y माइनस जेड मैंने कॉपी कर दिया है और x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया है। अब अंदर क्या रहेगा डिटर्मिनेंट में देखते हैं, अंदर डिटर्मिनेंट में रहेगा 0 1 1, इधर रहेगा 1 वाई प्लस जेड और इधर सिर्फ माइनस एक्स, इधर जेड फिर जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो ये चीज यहां पर आई है, अब तक हमने ये देखा है। अब यहां देखिए सेकंड कॉलम में भी यहां पे 1 है और थर्ड कॉलम में यहां पर 1 है, कुछ ऐसा करते हैं कि ये 0 बन जाए, ये 0 बनने का ये फायदा है कि हमें एक ही रो में 2 जीरोज मिल जाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब थर्ड कॉलम के इस एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं, अब सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस पूरी क्वांटिटी को मैं दूसरे पेज पे कॉपी कर लेता हूं, हां जी ये था डेल्टा इज इक्वल टू, मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं x माइनस जेड वाई माइनस जेड और x माइनस वाई एज इट इज, जो डिटर्मिनेंट था मेरे पास वो था 0 1 जेड 1 y प्लस जेड, फिर था जेड स्क्वायर 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, ये था मेरे पास। हां तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशन लेते हैं हम, कॉलम 2 इज गोइंग टू बी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, मतलब सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से थर्ड कॉलम के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए कर देते हैं, सबसे पहले तो ये तीनों जो टर्म्स है ये एज इट इज कॉपी होगी, x माइनस जेड वाई माइनस जेड और x माइनस वाई कॉपी हो गई। अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, उस पर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है,
ये हो जाएगा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, y प्लस z में से सब्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, माइनस x, तो आप क्या समझेंगे इसको, y प्लस z माइनस ऑफ माइनस x, मतलब y प्लस z प्लस x, ठीक है जी, लिखते हैं y प्लस z प्लस x। अब यहां पे z स्क्वायर में से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, xy, तो लिखा जाएगा z स्क्वायर माइनस ऑफ xy, और ये थर्ड कॉलम तो जाएगा एज इट इज, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये एज इट इज कॉपी होगा। अब यहां देखिए फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स जीरो आ गए, सिर्फ एक एलिमेंट है वन है। दूसरा हम देखते हैं कि अब यहां पे प्रॉपर्टीज लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी अच्छा हम नहीं लगा सकते, बना सकते प्रॉपर्टीज लगाकर, और अब एक्सपेंड करना भी बहुत आसान है, सिर्फ एक ही टर्म रह गई है। देखिए हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहां पे दो टर्म्स तो जीरो है ही है, दो एलिमेंट जीरो है ही है, इससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स आएंगे वो भी जीरो बन जाएंगे इनसे मल्टीप्लाई होके। अब एक ही टर्म है, एक ही एलिमेंट है, और उससे रिलेटेड डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए कैसे, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो ये तो कॉपी होंगे एज इट इज, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई। अब मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग कॉपी करता हूं तो ये मिलता है मुझे 1, और 1 से रिलेटेड सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 1 से रिलेटेड सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा, 1 की रो और 1 के कॉलम को हाइड कर दिया जाए। ये देखिए ये इसको हाइड कर दूं मैं, और फिर मैं इसको भी हाइड कर दूं, तो मुझे जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो मिलेगा ये। तो यहां मैं लिखता हूं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यहां पे मैं लिखूंगा 1, इधर लिखा जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इधर सिंपल जेड है और इधर है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आती है, हम करेंगे कैलकुलेशन, लेकिन उससे पहले इनको तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा बार बार, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई एज इट इज। अब देखिए ये आए हैं 1, हाँ जी, अब ये जो एलिमेंट है इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिखा है, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ इन टर्म्स को, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेगा, ये है z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे देखिए माइनस जेड एक्स, माइनस जेड वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस जेड वाई, और जब माइनस जेड जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए z स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आपके पास क्या है, माइनस एक्स वाई, माइनस जेड एक्स और माइनस जेड वाई, आप नेगेटिव साइन या माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो बाहर क्या बनेगा, बाहर आपने माइनस वन कॉमन ले लिया है तो ये बनेगा x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई इन मल्टीप्लीकेशन विद माइनस वन, अंदर है एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। अब थोड़ा सा अरेंज करते देखिए, इस माइनस वन को मैं इसको दे देता हूं x माइनस जेड को, माइनस वन को जब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा x माइनस जेड से तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स, ठीक है। एक तो ये काम मैं करता हूं तो x माइनस जेड बन जाएगा z माइनस एक्स। दूसरा अब मैं इनको अरेंज करके लिखता हूं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर मैं लिखूंगा y माइनस जेड, ठीक है, ये दो टर्म्स मैंने लिख ली। अब माइनस वन को मैंने इसको दे दिया तो ये बन गया z माइनस एक्स, माइनस वन भी खत्म हो गया और ये बन गया z माइनस एक्स। यहां पर ये जब तीन टर्म्स रह गई है एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई, इनको भी अरेंज करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स वाई ये वाली टर्म, फिर मैं लिखूंगा जेड एक्स और उसके बाद जेड वाई, ठीक है। आप ये देखिए यही आपको प्रूव करना था,